नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमेजन बॉक्सिंग एंड यू में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इस ब्लेड वाले नेक बैंड फैन की जो है पूरी तरह से रिव्यू। तो दोस्तों, ये जो है सिस्टम, ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे अच्छे से बैंडिंग हो जाते हैं किसी भी डायरेक्शन पे, जो है आपको इसको घुमा सकते हैं, मज़ेदार है। इसकी वजह से ये जो है बहुत ही अच्छे से एडजस्टेबल हो जाता है, जो भी आपको गले में पहनने के बाद जो है जैसे भी आपको जो है चाहिए वैसे आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बात करते हैं इसकी टाइम आउटपुट की। तो टाइम आउटपुट जो है आप इसके अगर फुल स्पीड पर रखते हैं तो 50 मिनट पे जो है ऑटो शट डाउन हो जाता है। मीडियम स्पीड पर रखते हैं तो यहाँ पे 10 मिनट और ज़्यादा मिल जाता है, यानी एक घंटे के अंदर जो है ऑटो शट डाउन हो जाता है। फिर अगर आप जो है बिल्कुल लो स्पीड पर अगर इसको चलाते हैं तो लगभग ये डेढ़ घंटा जो है डेढ़ घंटे से लेकर 90 यानी 80-90 मिनट जो है चल जाता है, यानी 1 घंटा 20 मिनट या फिर 1 घंटा 30 मिनट के आसपास जो है यह चल जाता है, डिपेंडिंग ऑन दी बैटरी की कंडीशन आपकी क्या है। दूसरी बात, यहाँ पे इजीली आप रिमूव कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर हो सकता है किसी के लिए। आप जो है एक्स्ट्रा बैटरी लेके घूम सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला बैटरी मिलता है, यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। घटिया ही बात है कि यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, दिया जाना चाहिए था। तो ये जो बैटरी है थोड़ी सी हल्की है, मैंने जूसर वाले वीडियो में दिखाया था कि बैटरी को खोल के अंदर में कि बैटरी कैसा रहता है। ये वाला हल्की वाला बैटरी, भारी वाला बैटरी रहेगा तो थोड़ा सा आउटपुट जो है आपको ड्यूरेशन टाइम जो है थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा, यानी थर्ड स्पीड पे ही हो सके कि आपका 1 घंटे से ज़्यादा मिल जाए। तो ये वाला अच्छी बात है, आप पॉकेट में एक्स्ट्रा बैटरी कैरी कर सकते हो। एक बैटरी ख़त्म हो जाए तो दूसरा आप इजीली रिप्लेस करके जो है दोबारा इसका मैसेज जो है उठा सकते हो, प्लस पॉइंट है। चार्जिंग पोर्ट के लिए जो है मैंने पहले बताया था इसकी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो की, यहाँ पे माइक्रोवेव भी मिल जाती है। जब यह चार्ज होता है तब जो है यहाँ पे रेड लाइट जो है ब्लिंक करता रहता है, और किसी किसी में रेड लाइट जो है कांस्टेंट हो जाता है, यानी वो जलता रहेगा। जब आप यूज़ मोड में लेते हैं तब यहाँ पे ब्लू लाइट जो है ब्लिंक करता है, ब्लिंक तो नहीं करता, कांस्टेंट जो रह जाता है, सॉरी कांस्टेंट रह जाता है। एयर फ्लो की बात करें तो एयर फ्लो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। इसकी साइज़ के हिसाब से, साइज़ की मैं बात करूँ तो लगभग 7 सेंटीमीटर की यहाँ पे इसका डायमीटर जो मिल जाता है, 7 सेंटीमीटर। जूम हो जाए मेरा भाई, या देख सकते हो 7 सेंटीमीटर की आसपास की जो है डायमीटर जो है आपको मिल जाती है, यानी लगभग ये 2.5 इंच की जो है रहती है इसकी। ये जो साइज़ है पंखे की, एक एक की दो पंखा लगाएगा तो काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है। बात करें इसका यूज़ की, तो पहले तो आप इसको गले पे भी चाहे तो लटका सकते हो, या फिर यहाँ पे जो है डेस्क पे या फिर बेड पे या फिर किसी और जगह पे प्लेस पे आप इसको जो है रख के, ये एडजस्टेबल रहता है तो इसको जो है आप इस तरह से मोड़ के इसका इंजॉयमेंट जो है ले सकते हो। बैटरी चेंज कर देंगे तो ये मैंने बताया कि थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। बैटरी की मैंने ओपन साइड है तो मैं बैटरी को जो है मैंने ड्रेन टेस्टिंग जो है किया था, तो बैटरी ड्रेन टेस्टिंग के हिसाब से जो है मैं बताऊंगा। तो आप इसकी जो प्रॉपर वाटर शट डाउन से पहले, यानी वाटर शट डाउन से पहले आप इसको अगर बंद करते हैं तो बैटरी की साइकिल से या फिर ड्यूरेशन जो है आपको ज़्यादा मिलेगी, बैटरी जो है आपकी ज़्यादा लास्ट करेगी। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। जो आपकी मैक्सिमम स्पीड पे आपका अगर चलाते हो तो लगभग 10 मिनट आप कम करके चलाइए, यानी इसका टोटल आउटपुट जो है 50 मिनट्स का रहता है, लगभग 50 मिनट के आसपास। तो 5-10 मिनट आप घटा के इसका जो है यूज़ कीजिए, लगभग 40 मिनट्स के आसपास लगातार इस्तेमाल करने के बाद जो है इसको शट डाउन कर दीजिए और दोबारा चार्ज पे लगा दीजिए। चार्जिंग टाइम की मैं बात करूँ तो डिपेंडिंग ऑन दी बैटरी कंडीशन, बैटरी कितना चार्ज है उसके हिसाब से लगभग 1.5 से 2 घंटे में ईजिली चार्ज हो जाता है। 0 to 100% की बात करूँ या फिर 10 to 100% की बात करूँ तब यह होता है, और इससे बैटरी अगर ज़्यादा चार्ज जाएगा तो चार्जिंग टाइम आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अगर मिड स्पीड पे आप अगर इस्तेमाल करते हो तो मिड स्पीड पे मैं कहूँगा 1 घंटा चलता है तो 50 मिनट तक इस्तेमाल कीजिए, बैटरी आपका बहुत अच्छा चलेगा। हाई स्पीड पे मैं बात करूँ तो 1 घंटा 10 मिनट, यानी सॉरी लो स्पीड की मैं बात करूँ तो लगभग 1 घंटा चला लीजिए, 1 घंटा से ऊपर भी आप चला लीजिए 10 मिनट, और उसके बाद जो है शट डाउन कर दीजिए, फिर इसको चार्जिंग कर दीजिए पढ़िए और फिर इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके जो मैंने टाइम ड्यूरेशन बताया उस हिसाब से आप अगर इस्तेमाल करते हो 5-10 मिनट कम तो इसका जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी दिनों तक इसका बैटरी जो है आपका टिका रहेगा। बाकी ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करता है, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। बाकी जिन लोगों ने भी इस्तेमाल किया हो नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा,
और बाकी चाहे तो आप इसको खरीद के जो है अपनी पर्सनल यूज़ में ले सकते हो। और फिर मैं मतलब उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।